अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अख्तर फ्रॉम स्टॉक्स एंड इक्विटीज़ डॉट कॉम डॉट पी के। टुडे इज़ अक्टूबर 27, 2020, और आज आपका आपने एक रेड सेशन देखा है। मार्केट वेंट डाउन बाय 1.12% और 468.64 पॉइंट्स, एंड इट क्लोज ऑन 41,381.83। आपका वॉल्यूम वॉज 305.46 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। इट्स अगर आप देखिए तो इट्स अ गुड वॉल्यूम। पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा, आई कुडंट मेक अ वीडियो यस्टरडे बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन द सिटी। कल का भी हम सेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वी मिस्ड इट। कल वॉज यस्टरडे सेशन वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड अ ग्रीन सेशन यस्टरडे, बड़ा अच्छा ग्रीन सेशन था। 285 मिलियन शेयर्स का कल काम हुआ था। मार्केट वेंट अप डाउन वेंट अप बाय लाइक आई गेस 584 पॉइंट्स। कल मार्केट ऊपर गई। अच्छा, अब मैं पहले के हर चीज़ डिस्कस करूँ, मैं अपने व्यूअर्स को एक तो पहले ये बड़ी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कई दफ़ा आपको डिस्क्लेमर दिया है, मैं किसी किस्म की आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं दे रहा। काइंडली वी बेयर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप हमारी वीडियो से किसी किस्म की कोई ट्रेड कर रहे हैं। अगेन, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है कि इस हमने कोई आपको अगर देना हो तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ जर्नल वीडियो, इट्स मेड फॉर जर्नल पब्लिक, जिसमें हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, एक पिक्चर दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन है कि हाउ थिंग्स कैन गो और आगे कैसे जा सकती हैं। एंड सेकेंडली ये कि हमारे लिए आप सबका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आपके ओपिनियंस, आपके फीडबैक के लिए। एट टाइम्स देखिए, मार्केट बनती परसेप्शंस पे है, परसेप्शन है। आज अगर मार्केट के 10 प्लेयर हैं उसमें से 3 बेरिश हैं और 7 बुलिश हैं तो वो मार्केट विल बी बुलिश। अगर आज उसमें 7 बेरिश हो जाएंगे और 3 बुलिश होंगे तो वो मार्केट विल बी बेरिश, आई एम सॉरी। अब बात यह है कि वन आई से कि मैं आपको कोई इंडिकेट कर रहा हूँ या एट टाइम्स आई एम बेरिश एट समथिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट उसी तरह हो जाए। अनटिल और अनलेस मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स भी उसी तरह उसी उसी बात पे एग्री करते हों, एक एक चीज़ ये जहन रखिए। फिर ये है कि कुछ मुझे एक एक दो साहब के कमेंट्स आए विच आई रिस्पेक्ट अ लॉट, और हमारे लिए बड़ी वो ये कि हमारे लिए हर फीडबैक हर कमेंट इस तरह है कि हम उस अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर सकें अपने व्यूअर्स के लिए। तो एक साहब ने शायद ही कमेंटेड के मार्केट मंडे को ग्रीन हुई तो हमारा मेरा एनालिसिस टोटली रॉन्ग, आई एम बेरिश। एक और साहब का कमेंट है आयरॉनिकली उसी वीडियो पे कि आप बुलिश और मार्केट बेरिश होगी आज तो यू आर ऑल्सो रॉन्ग। और मैं आपको बताऊं आयरॉनिकली तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बड़ा क्लियर था कि हमारे लिए जो FATF का डिसीजन है नॉन इवेंट बन गया। एंड आई वॉज सेइंग कि अब आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे नहीं पता कि मार्केट मंडे को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि इट्स अ नॉन इवेंट। एंड आई वॉज एक्चुअली सेइंग टू रिमेन साइडवेज बाय टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में आई वॉज सजेस्टिंग टू रिमेन साइडवेज अगर आप मुझसे पूछिए तो। और दूसरी बात जहन रखिए कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई मैं प्रिडिक्ट कर लूँ कि कल क्या होना है, कल किसका ऑल ऑफ द सडन कोई अच्छी न्यूज़ हो जाए, ऑल ऑफ द सडन कोई अल्लाह ना करे, आजकल आपको पता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किस तरह है और मार्शल लॉ अचानक लग जाए यस कल, तो व्हाट विल हैपन। हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में और जो करंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हमने उसी की लाइट में एक अपना एक रैशनल बनाना है और हमने बनाना है कि हम इस पर क्या समझते हैं, क्या हो सकता है। अगर आप कल का ग्रीन सेशन देखिए तो मैं उसको कल के ग्रीन सेशन को एट्रीब्यूट FATF के डिसीजन पे फिर भी नहीं करूँगा। आप बड़ा और कीजिए कि कल का आपका ग्रीन सेशन की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो सीमेंट सेक्टर की वजह से थी। आपके कल के 584 पॉइंट्स में से मोर देन 50% एडिशन आपके सीमेंट सेक्टर की थी और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फर्दर आपके लकी सीमेंट की थी। बहुत अच्छा रिजल्ट था कल का। आज अगर आज का आज आपका आपका रेड सेशन देखें तो आपके पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कुछ वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में अच्छी नहीं, फिर आई डोंट नो PSO पे बेशक रिजल्ट बेहतर था मगर उसकी वो आउटलुक पे देवरंट गुड, वो कोई प्राइस का पेट्रोलियम प्राइसेस पे इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी एज एज आई हर्ड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपकी मार्केट
बड़ी इस टाइम वॉलेटाइल और अनसर्टेन है, आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, और एज पर टेक्निकल एनालिसिस भी हमें यही इंडिकेट होता है कि वी हैव टू रिमेन साइडवेज। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि मेरा झुकाव थोड़ा सा बेरिश की तरफ है, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। मैं हम आज का भी वही हम देखेंगे, और हम इन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में हम देखेंगे कि हमें आगे क्या पिक्चर नजर आती है। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं, हम सेक्टर्स को देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, कि हमें किस सेक्टर की वजह से। और अगर आप देखिए तो आज सबसे ज्यादा आपका जो सेक्टर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैटर करती थी और वो नेगेटिव भी रहा, तो वो सीमेंट सेक्टर ही है जो कल आपके इंडेक्स को ऊपर लेके गया था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल आता है, ऑब्वियसली इनकी भी बहुत वेटेज है। कमर्शियल बैंक्स वॉज ऑल्सो मेजरली इन नेगेटिव। फर्टिलाइजर आपका फिर वो भी नेगेटिव में था। ये सेक्टर्स हैं जो जिन्होंने मेजरली आज की फॉल में या आज के आपके इसके रेड सेशन में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। हम अपना अपना ये स्टार्ट करें टेक्निकल एनालिसिस है एसी 100 इंडेक्स का। तो आप देखिए जी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज की फॉल के बाद इज एट 56। आपके पास यहां पे फॉल कर रही है, और आपका जो केसी 100 इंडेक्स है वो आपके इचिमोकू क्लाउड में, आपकी अभी भी कैंडल क्लियरली बाहर नहीं निकली। कल ग्रीन सेशन में आपकी इट वेंट आउट, मगर आज फिर वो बैक इन साइड ऑलमोस्ट। आपकी अभी भी दोनों लाइंस इधर ही फॉल कर रही हैं। बेशक ब्लू लाइन रेड लाइन को कट कर चुकी है, मगर वो अभी भी प्राइस से नीचे है और वो क्लाउड के अंदर फॉल करी है, और लैगिंग स्पैन ब्लू और रेड लाइन के बीच में है। इट्स अ टैंगल्ड, एक जंगल सा बना हुआ है। इट्स अ टैंगल्ड सिचुएशन जिसमें इचुमोको हमेशा आपको कहता है कि यू रिमेन साइडवेज, आप साइडवेज रहिए, हमें आगे फर्दर शायद डायरेक्शन क्लियर होगी। अनसर्टेनिटी आपके सामने, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आज मेरे ख्याल में सीपीआई डेटा भी आया है, और दैट इज 9.14%, और इट्स एक्सपेक्टेड टू बी 9.14%। आई एम नॉट सो श्योर एज कम्पेयर टू 9.06% लास्ट मंथ। हाँ जी, 9.14% एज कम्पेयर टू 9.06% लास्ट मंथ। आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, दैट सिग्नल्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट ने अगर बढ़ जाना है 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट, तो आप खुद देख लीजिए आपकी मार्केट ने फर्दर 1000-1500 पॉइंट की बड़े आराम से करेक्शन ले लेनी है इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने पे। ये सबसे पहला रिएक्शन होता है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स भी अगर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड्स पे जो आपकी कैंडल्स हैं दे आपके आपके अपर बैंड पे हैं। ये जब अपर बैंड पे हैं तो ये अपने अवर बॉट पे हैं, और ये इसके बाद ये नीचे की ही डायरेक्शन अब आपको इंडिकेट करते हैं। आपके जो आपको जो मंडे का ग्रीन सेशन था वो आपको क्लियरली इसके ऊपर अपर बैंड को टच कर रहा था। मैक्सिमम अगर आपको ग्रीन सेशन भी देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इट हैज़ टू कम बैक। इसने अपने आपको एडजस्ट करना, या तो आपको रेंज बाउंड फ्लैट सेशन आपको केसी 100 इंडेक्स देगा आगे, या आपको कोई और थोड़ी सी शायद करेक्शन देता हुआ एज पर बोलिंजर बैंड्स नजर आता है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट लेवल पे है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ब्लू लाइन कट भी कर रही है, रेड लाइन ब्लू लाइन से ऊपर आ चुकी है। मे बी आप फर्दर कोई रेड सेशन या आप रेंज बाउंड सेशन देखें। एमएसीडी थोड़ी सी प्रॉमिसिंग पिक्चर दिखा रहा है, इट्स जीरो से ऊपर की लाइन मूव हुआ है, ब्लू लाइन ऊपर है रेड लाइन से, तो प्रॉबेबली अब वो उस तरह का बेरिश ट्रेंड आपको इंडिकेट नहीं कर रहा जैसे वो पहले इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पे आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो दैट्स ऑल्सो ऑन इट्स ओवरबॉट, ओवरबॉट पे है, मगर ऊपर के पास इसका फर्दर मार्जिन एंड क्वेश्चन भी है इसके। अगर आप समझते हैं कि इट्स बुलिश, ये ऊपर भी जा सकता है। विलियम्स एलिगेटर अगर आप देखिए जो बड़ा मेजरली हमें बेरिश इंडिकेट कर रहा था, दैट हैज टर्न्ड अराउंड जी, फाइनली इट हैज टर्न्ड अराउंड। और आपके मंडे के ग्रीन सेशन के बाद आपकी जो ग्रीन लाइन है ऊपर है, फिर आपकी उसी ऑर्डर में रेड लाइन है, और अब ब्लू लाइन वही पैटर्न बनाते पड़े हैं। लेट्स सी ये पैटर्न कितना रहता है। अगर आप देखिए कि ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे इंडिकेट इस तरह कर रहा था कि हम इसको इससे इस पिछली उस पर कंपेयर कर रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ पैरेलल चलेगी और हमें शायद एक फर्दर फॉल मिल जाएगी, विच हैज़ जो ऐसा नहीं हुआ। इसने अपना एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करते हुए वापस की तरफ उसने अप टर्न लिया है, मगर लेट सी हाउ थिंग्स आगे कैसे मूव होती हैं। मैं आपको अपना फाइनल वर्ड देता हूँ एज ही हम ये केएससी ऑल शेयर इंडेक्स को देख लें
केसी ऑल शेयर इंडेक्स को अगर आप देखिए तो इसका इचुमोकू क्लियरली साइडवेज और बेरिश रहने को आपको कह रहा है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए। लैगिंग स्पैन मेरे ख्याल में रेड लाइंस को भी क्रॉस करके नीचे है इसकी। अगर आप यहाँ पे आई कैन सी क्लियरली तो आपकी ब्लू लाइन बड़ी नियरली रेड लाइन से ऊपर है और ये सारी बड़े वेरी क्लोज बाय हैं। इट्स आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। यहाँ पे आप किसी किस्म की वो आपको पोजीशन लेने को नहीं कह रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 53, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के बीच में है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवर सोल्ड पे पहुंचा हुआ है, ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। और वो इट्स आपकी जो ब्लू लाइन है कट करिए रेड को ऊपर से नीचे की तरफ। आप शायद फर्दर रेंज बाउंड सेशन एज पर केसी ऑल शेयर इंडेक्स भी आप यू कैन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कैटेगराइज करूँ तो इचिमोकू को मैं अभी बेरिश रखूंगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को आई वुड मेक इट न्यूट्रल। विलियम्स एलिगेटर आपका आप इट्स मोर लाइक आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। बोलिंजर बैंड इज बेरिश। स्टॉक हैस्टिक इज अपने अवर बॉट पे बेरिश। एमएसीडी को मैं न्यूट्रल रखूंगा और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑल्सो न्यूट्रल। देखिए मैं फिर क्लियरली कह रहा हूँ मेरे ख्याल में टेक्निकल्स आर इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए अभी। इट्स नॉट इंडिकेटिंग अ क्लियर क्लियर पिक्चर वो है। और एक और चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, आई एम सॉरी मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस एज पर टेक्निकल एनालिसिस तो आपको एग्जैक्ट एंट्री और अगर आपको वो पॉइंट भी दे रहा हो तो कभी इस तरह पॉइंट नहीं देता कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए जी कि आप एंटर करें और आप एग्जिट करें। फर्स्ट कीजिए कि यहाँ से, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप यू कैन सी माई कर्सर तो यहाँ से हम कहते हैं जी कि इंडेक्स चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ से इंडेक्स वापस हुआ। अगर आप यहाँ पे आप टेक्निकल्स को देखिए तो टेक्निकली इचिमोकू आपको यहाँ पे सिग्नल दे रहा है लेट्स गो फॉर एंट्री। बेशक इंडेक्स यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ तो टेक्निकली आपको इचिमोकू यहाँ पे एंट्री दे रहा है और आपको एग्जिट यहाँ पे कंफर्म एग्जिट दे रहा है। तो वो जो आपको गैप यहाँ का दे रहा है सेफ गैप, अगर आप देखिए इफ यू से कि आप टेक्निकली आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल जाए और यहाँ पे आपको टेक्निकली एग्जिट पॉइंट मिल जाए, अब यू यू कैन सी माय कर्सर, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती। ये कभी भी नहीं होता। आपको एक सेफ गैप टेक्निकल एनालिसिस यहाँ का ही बता सकता होता है हमेशा। एक तो ये चीज हमेशा जहन में रखिए और यही बेहतर होता है कि आप इसी तरह सेफ रहें इस किस्म के रिस्क में। लेकिन नो वन नोज के आपकी मार्केट ने यहाँ से नीचे हो जाना है, नो वन नोज के यहाँ पे क्या न्यूज आई, नो वन नोज के यहाँ पे बाजवा साहब की एक्सटेंशन क्यों क्वेश्चन हो जानी थी, ऑल ऑफ द सडन एक बंदे ने केस कर लेना था। तो ये चीज आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपको एग्जैक्ट ये कभी भी नहीं बता सकता कि आपने किस टाइम एग्जिट और एंट्री कर लेनी है। दूसरी इसके अलावा आप कल के लिए सपोर्ट लेवल आप देख लीजिए। पहला है 41,165, सेकेंड इज 40,949 और थर्ड आपको सपोर्ट मिलेगी 40,571 पे। कल अगर मार्केट इज ग्रीन आप रेजिस्टेंस देखेंगे 41,760 रेजिस्टेंस, उसके बाद आपको 42,138 और थर्ड रेजिस्टेंस इज 42,354। आपकी एवरेज ट्रू रेंज जो है 605 पॉइंट्स पे है, जो जो लास्ट हमारी वीडियो थी उस पे 500 समथिंग पॉइंट्स पे चली गई थी, इंडिकेटिंग फर्दर वोलेटाइल सेशंस आपको इंडिकेट कर रहे हैं। मैं अगर आपसे मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मेरे ख्याल में मार्केट बड़ी स्ट्रांग हो जाती अगर हमें एफएटीएफ से कोई अच्छी होप मिल जाती। मैंने अपनी पिछली फ्राइडे की वीडियो में बड़ा क्लियरली कहा था कि हमारे लिए अच्छी न्यूज़ होती कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते और हमें निकल जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने वाकई डिस्पाइट आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी है करंटली हमें बहुत मुश्किल एफएटीएफ के टास्क दिए गए और पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके उन पे कंप्लाई किया। और अब यकीन जानिए कि इस किस्म के बिल पास हुए जिसमें अच्छी किसी पॉलिटिकल राइवलरी ली गई और प्रॉब्लम्स हुई, उसके बावजूद हमें नहीं निकाला गया, विच इज़ अ बायस डिसीजन मेरे ख्याल में। और दिस इज बोथ जो मेजर एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि एक बायस्ड है, एक फर्दर प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान पे किया गया है। मुझे इस तरह की फील हो रही है कि अगर पाकिस्तान मेरिट पे निकलता था और नहीं निकाला गया तो क्या हमें फरवरी में भी मेरिट पे निकाला जाएगा, हमेशा फिर तब भी प्रेशर पे रखा जाएगा और हमेशा अक्टूबर तक ड्रैग किया जा रहा हो। तो मुझे एफएटीएफ के हवाले से थोड़ा सा एक दिस इज अगेन दिस इज माय ओन एनालिसिस,
मुझे एफएटीएफ के हवाले से थोड़ा सा आगे और पिक्चर इतनी प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आती। वही है कि आगे क्या होता है, लेट्स सी, अगर निकल जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। डैट जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए बनता है। फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे हैं, मगर जो अभी जो हमारे पास एक जो थ्रेटनिंग इवेंट, वो थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो ये देखिए कि वी हैव टू, और टेक्निकल्स भी मेरे ख्याल में साइडवेज ही रहने को आई थिंक दे आर सजेस्टिंग। मैं यहाँ पे फिर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई होप आप सब पैसे बनाएं, आप सेफ रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, जो भी है, मगर आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल मार्केट में प्ले ना कीजिए। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि डू कीप सम प्रोपोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो इन कैश टू बी ऑन सेफर साइड। हम टॉप रेटेड स्टॉक्स देख लेते हैं। जी, आज का टॉप रेटेड आपके पास यूनिटी रहा, 77 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, वेरी, बहुत अच्छा। पावर सीमेंट उसके बाद 33 मिलियन शेयर्स, FFBL 31 मिलियन शेयर्स, PIBTL 26 मिलियन शेयर्स। आपके पास यूनिटी, FFBL और PIBTL ही है जो ग्रीन में है, इसके अलावा आपके पास सारे स्क्रिप्ट आपके टॉप रेटेड आज रेड में ही थे। मेपल लीफ सीमेंट है 25 मिलियन शेयर्स, फूजी सीमेंट 22 मिलियन शेयर्स, फूजी फूड्स 15 मिलियन, पार्क रिफाइनरी 14 मिलियन, पेल इलेक्ट्रॉन 13 मिलियन, हैस्कॉल 12 मिलियन शेयर्स। इन्हीं हम पांच टॉप फाइव का हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे, ये कहाँ पे नज़र आते हैं, एक ब्रीफ एनालिसिस हम इनका कर लेते हैं। टेक्निकली अगर आप यूनिटी को देखिए तो इचिमोकू इसको अभी भी बड़ा क्लियरली और बुलिश इंडिकेट कर रहा है, जो मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि यूनिटी को वो अभी भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है। इचिमोको इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यूनिटी फूड्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखिए तो इट्स वो 76 पर पहुंच गया है, अवर बॉट पे है 76, जी 76, 75, 76 पे इसकी वैल्यू है। और अगर आप पिछले एक साल में इसका आरएसआई देखें तो इसने पिछले एक साल में हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू 82 दिखाई है। मेरे ख्याल में आगे ये कुछ फ्लैट सेशन इसके बनते हैं, ये इतना ऊपर अभी और एग्रेसिवली ना जाए क्योंकि बहुत कम मार्जिन है। अगर ये जाता है तो ये एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट पे चला जाएगा और वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बड़ी बनती है। मेरे ख्याल में अभी भी शायद प्रॉफिट टेकिंग बनती है इफ यू आर होल्डिंग इट। स्टॉक हैस्टिक को देख लीजिए, स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवर बॉट पे है और इट्स इंडिकेटिंग कि इसने इधर ही रहना है क्योंकि क्रॉसिंग में चल रहा है। अगर आप देखिए तो आप इसको शायद आगे रेंज बाउंड देखें मैक्सिमम, या थोड़ी बहुत इसको रेड देख लें किसी थोड़ा बहुत के स्मॉल परसेंटेज के हिसाब से किसी सेशन में। दिस इज व्हाट आई थिंक। पावर सीमेंट को अगर आप देखिए, पावर सीमेंट इस पे साइडवेज रहने को आपको चुमो को ही कह रहा है क्योंकि टैंगल्ड सिचुएशन है बिटवीन कैंडल्स एंड लाइंस और सारी क्लाउड के अंदर फॉल कर रही है। बाकी लैगिंग स्पैन जो है अगर आप देखिए तो आई एम सॉरी, लैगिंग स्पैन ने क्रॉस किया मगर इतना वो नहीं, और वापस इट्स टर्निंग बैक। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इट्स टर्निंग बैक और इचिमोकू इट्स आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। अभी तक इसने इसकी कोई क्लियर आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा कि, और अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो डेट सम 63 क्लोजर टू इट्स अवर बॉट। इसने अपना हाईएस्ट रिलेटिव आरएसआई दिखाया है पिछले दिनों में 88 की वैल्यू का, मगर आई डोंट थिंक सो कि वो इतने हाई पे दोबारा जाएगा, इट वुड बी टचिंग इट। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट के लेवल पे पहुंचा हुआ है और ब्लू लाइन इज कटिंग रेड लाइन फ्रॉम, और नीचे आ चुकी है। मेरे ख्याल में आगे भी आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर देखें। हमारे पास उसके बाद जी FFBL है, PIBTL है, जी FFBL को देख लेते हैं। FFBL बड़ा शार्पली इसने आपको दो अपने अपवर्ड के सेशंस दिखाए हैं और यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसके पास बड़ा एक मेजर वॉल्यूम पड़ा है और इट्स अराउंड, वॉल्यूम इज अराउंड 31 मिलियन शेयर्स का। ये पिछले एक साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है जो आज के सेशन में हमने आज देखा है, इट्स 31 मिलियन शेयर्स का। और आपका ये 4.30% को मेजर एंट्रेंट लगता है इस वक्त इसमें।
आज के वॉल्यूम और आज के गेन ने इसको क्लाउड से निकाल दिया, इसकी कैंडल इज आउटसाइड आउट ऑफ द क्लाउड। और अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन ने शार्पली कट करते हुए इट्स आउट ऑफ द क्लाउड टू, लैकिंग स्पैन भी इट्स दोनों को क्रॉस करके ऊपर जा रही है। रेड लाइन मेरे ख्याल में वो भी मेरे ख्याल में एक और ग्रीन सेशन के बाद प्रॉबेबली किसकी शायद इट विल बी आउट। मेरे ख्याल में इसमें शायद कोई अर्ली अपवर्ड अच्छी चेंज इंडिकेट हो रही है FFBL में, वही देखना पड़ेगा। और जिस किस्म का वॉल्यूम और जिस किस्म की एंट्रेंट है, मैं इसको 3 साल में भी देख लेते हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम हमें कभी, अगर आप पिछले 3 साल में भी देखिए तो इतनी बड़ी वॉल्यूम की फिगर हमने नहीं देखी FFBL में। दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एन अपवर्ड चेंज मे बी एन FFBL। इसको हम आगे भी कवर करेंगे एंड विल सी ये आगे हमें क्या इंडिकेट करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट 64, और पिछले एक साल में जिसने जो अपना हाईएस्ट RSI दिखाया वो 76 दिखाया। इट हैज ह्यूज मार्जिन के फर्दर ऊपर जा सकता है, और अगर इसमें कोई मेजर अपवर्ड चेंज है तो ये अपने RSI के अवर बॉट पे इसको जाना ही चाहिए होगा। इसका स्टोकेस्टिक भी अवर बॉट में पहुंचा हुआ है, और मगर रेड लाइन ने इसकी, सॉरी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को भी क्लियरली कट नहीं किया। मुझे आगे इस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं नजर आ रहा। अगर मार्केट रेड भी होती है मेरे ख्याल में ये, मुझे लगता है कि ये सर्वाइव कर रहा होगा, कोई फ्लैट सेशन दे रहा होगा। लेट्स सी आगे क्या बनता है। FFBL लुक्स लाइक एन अर्ली अर्ली साइन ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। कल और अगले सेशन में हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या इंडिकेट कर रहा है। PIBTL को देख लेते हैं जी। PIBTL आई वुड आस्क यू टू रिमेन साइडवेज। टैंगल्ड सिचुएशन है, दो प्राइस इज अबाउट टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड मगर निकली नहीं है। दोनों लाइंस अभी भी क्लाउड में फॉल करती हैं। आपकी लैगिंग स्पैन ब्लू और रेड लाइन के अभी भी बीच में है। इट्स इंडिकेटिंग टू रिमेन साइडवेज। इसका RSI इज एट 57, ऑलमोस्ट इन मिडल, और इट्स काइंड ऑफ मोर टूवर्ड्स अवर बॉट। स्टॉकहेस्टिक भी आप यही समझ लीजिए कि इट्स गोइंग मोर टूवर्ड्स अवर बॉट की तरफ है, मगर अभी टोटली अवर बॉट की तरफ गया नहीं। हमें ये फर्दर सेशन इसको क्लियर करेंगे कि इसकी क्लियर हमें ट्रेंड क्या बनता है, मगर करेंटली दिस इज मोर लाइक साइडवेज। मैं यहाँ पे MLCF कर लेता हूँ, और मैं KOSM भी देखूंगा क्योंकि हमने पिछले इसको कवर किया था सेशंस में जब ये टॉप ट्रेडेड में था, और प्रॉबेबली किसी हमारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट भी किया हुआ था कि हमने KOSM को रिक्वेस्ट वो दोबारा वो नहीं किया, कवर नहीं किया। MLCF को देख लीजिए। तो MLCF का इचुमोको इज प्रॉमिसिंग, इट्स इंडिकेटिंग अपवर्ड एंड बुलिश ट्रेंड। आपकी दो प्राइस बोथ ऑफ द लाइंस आर आउटसाइड ऑफ द क्लाउड, और से अबव है, लैगिंग स्पैन इज अबव ऑल ऑफ देम, फिर आपकी ब्लू लाइन इज अबव, तो इट्स इंडिकेटिंग फर्दर अप, ये स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है अभी एज पर इचुमोको। हाउएवर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बिल्कुल ओवर बॉट पे लेके गया था पिछले दिनों 73, और एडजस्ट होके 66 पे आया है। सेम इज द केस विद स्टोकेस्टिक। इसमें शायद प्रॉफिट टेकिंग बनती है और हो भी रही है या हो चुकी है, ये देख लीजिए। और कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स को देख लेते हैं। KOSM को, KOSM का जो इचुमोको है इट स्टिल स्ट्रांग जी, इट इज स्टिल स्ट्रांग डिस्पाइट 1 2 3 4 5 रेड सेशंस के। इसको आप अभी भी, मैं इसको इसको मैं यही कहूंगा कि अभी भी बुलिश नजर आता है इचुमोको पे, क्योंकि इसकी लैगिंग स्पैन भी ऊपर है, प्राइस सिर्फ आई है आपकी ब्लू लाइन से नीचे, जो बड़ा वेग वीक बेरिश सिग्नल है। आई वॉन्ट, मैं उसको वो इस तरह नहीं करूंगा। रेड लाइन से अभी भी प्राइस और एवरी वो सब क्लाउड से बाहर है। लेट्स सी इसमें आगे क्या बनता है। इफ यू आर होल्डिंग इट कीप होल्डिंग इट, मगर अभी एंट्री ना कीजिएगा इसमें किसी किस्म की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एडजस्ट होके 53 पे है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर और अच्छा हो जाता है तो इसमें फर्दर इसका वो बेसिस बन जाते हैं कि इट कैन गो अप, अपने अवर बॉट लेवल से निकल चुका है। सेम इज द केस विद स्टॉकहेस्टिक, मगर स्टॉकहेस्टिक फर्दर आपको इसमें प्रॉफिट और सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है क्योंकि आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। यहाँ पे हमारा एनालिसिस और आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज टेक केयर जी, डू गिव अस योर फीडबैक, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मगर अगेन मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, आई एम आस्किंग, मैं सजेस्ट करूँगा कि वी शुड रिमेन साइडवेज। हमें वो कोई क्लियर डायरेक्शन अभी इंडिकेट नहीं हो रही इंडेक्स की, तो मुझे एक तरह थोड़ा सा डर और खौफ भी है कि मे बी कुछ होने वाला है, या कोई आप कोई फर्दर कुछ होने का, मे बी आई होप आई एम रॉन्ग।
आई रिस्पेक्ट इफ समवन इज बुलिश, बहुत अच्छी बात है, हमें बुल्स की जरूरत होती है स्टॉक मार्केट में जो मार्केट को लेके आगे जाते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।